हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 8 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, जो हमने 2.1 एंड 2.2 ऑलरेडी पढ़ा है, उसके वीडियो भी अवेलेबल है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3, मतलब हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, सो हमारा आज जो चैप्टर है वो हमारा कम्प्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से क्या करते हैं, 2.3 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं इसमें, कंस्ट्रक्शन वाला एक टॉपिक है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन मैंने दिया है सॉल्व एग्जांपल करके। टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन डिस्टेंस। एक मुझे क्या करनी है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, सेम पैरेलल लाइन। देखो ये मेरी पैरेलल है, पैरेलल लाइन मतलब क्या, ये और ये क्या चाहिए, सेम चाहिए। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट इज नथिंग बट पैरेलल लाइंस। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मेथड भी दिया है, स्टेप भी दिया है। मेथड क्या होगी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल एट डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर। आपको डिस्टेंस दे कि ये डिस्टेंस कितना है, 2.5 सेंटीमीटर दिया है। सो डायरेक्टली से टू पैरेलल लाइन लेके यहाँ पे 2.5 लेना नहीं है। अभी क्या करेंगे हम, सेट स्क्वायर का यूज करेंगे परपेंडिकुलर निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्टेप दिया है, देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो मैंने क्या किया, एक लाइन पहले एल ड्रॉ कर दी, बाद में एक ए पॉइंट लिया, एल लाइन ड्रॉ कर दी ऐसी, बाद में उसको एक ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एल लाइन बोल दो। नाउ नेक्स्ट वन बी पॉइंट, उसी के ऊपर बी पॉइंट ले लिया। अभी इसमें निकाला है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कैसे निकालेंगे, सेट स्क्वायर जो रहता है हमारा ऐसा वाला, राइट एंगल ट्रायंगल शेप हमारा रहता है। सो यहाँ पे ऐसे वो रखना है और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ए ए के ऊपर और बी के ऊपर भी। नाउ अभी स्केल में क्या करो, 2.5 डिस्टेंस ले लो, नहीं तो डिवाइडर रहता है वो भी हमने ले लिया तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसे डिवाइडर रहता है ना हमारा, इसमें हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, बराबर। सो स्केल के ऊपर 2.5 ले लो, यहां से यहां तक 2.5 कंसिडर करो और आर्क करो, नहीं तो एक हमारा जो कंपास रहता है, कंपास भी हम ले सकते हैं, 2.5 लेके यहाँ पे दोनों जगह आर्क ड्रॉ करो और यहाँ पे एक दोनों आर से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। ओके, अभी यहाँ पे आपको नाम नहीं दिया तो यू कैन टेक एनी पॉइंट। अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री मेंशन करो। कंस्ट्रक्शन में वही है कि जो सिंपल है, बट यहाँ पे कुछ हमें पॉइंट लिखना पड़ता है, देन हमारा कितना है कितना नहीं, वो सारे चीजें यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, नाउ ये हमारा सॉल्व एग्जांपल था, इतना ही हमें करना था। बस ध्यान में क्या रखना है, सब जगह उसके नाम दे दो, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री मेंशन करो, लाइन है तो उसमें एरो दिखाओ। नेक्स्ट है हमारा लाइन कितनी है, सेगमेंट कितनी है, उसका लेंथ वो हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे देखो मैंने 2.5 दोनों जगह लिख दिया, एक ही जगह लिख दिया और सेकंड में लिख दिया, नहीं चलेगा। कंस्ट्रक्शन है बहुत सिंपल सा, 2 मिनट में होने वाला हमारा आंसर है, सो परफेक्ट होना चाहिए ताकि आपके मार्क्स कहीं पे भी ना जा सके। ठीक है, नाउ अभी स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट प्रैक्टिस से 2.3। तो देखो 2.3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन एल, टेक पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन, मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है एल, और एक पॉइंट जो है, ए पॉइंट जो हमारा है वो आउटसाइड द लाइन, लाइन के बाहर लेना है। ठीक है, थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल, और हमारी जो एल लाइन थी उसको क्या करना है, ए पॉइंट से जाने वाली लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हमारी एल लाइन थी और यहाँ पे हमें एक पॉइंट ए जो है इससे हमारी एक पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो कैसे करेगा, डायरेक्टली हम ऐसे तो नहीं कर सकते। सो व्हाट आई एम टेकिंग, यहाँ पे लिखती मैं आंसर, और कंस्ट्रक्शन में भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अभी क्या किया मैंने, एक एल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, एल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो, अभी ये थोड़ी टेढ़ी हो गई। सो ठीक है, मेरे पास तो स्केल नहीं है, आप क्या करो स्केल जो आपके पास है वो यूज करके निकालो। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, एल पॉइंट ले तो एम पॉइंट कुछ भी ले लो। ठीक है, ड्रॉ लाइन एल, यहाँ पे लेती मैं लाइन एल। ठीक है, अभी नीचे लिया ऊपर लिया कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन यू, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखती मैं आंसर क्योंकि वो हमें ऊपर ले लिए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाइन एल, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक ए पॉइंट चाहिए इसके ऊपर, ऐसे बोला है क्या, नहीं। ड्रॉ अ लाइन
एल टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन, उसी लाइन के ऊपर लाइन हमें पॉइंट लेना है, मतलब एल लाइन पहले ड्रॉ कर दो, बाद में एक ए पॉइंट लो आउटसाइड द लाइन। आउटसाइड द लाइन मतलब क्या, लाइन के बाहर। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ए और बी पॉइंट ले लिया, अभी क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अभी परपेंडिकुलर डायरेक्टली मत ड्रॉ करो, नहीं तो आप प्रोटेक्टर यूज कर सकते हो, यहाँ पे 90 डिग्री भी मेजर कर सकते हो, नहीं तो आप सेट स्क्वायर लेके भी वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन लिखती हूँ, डॉटेड लाइन, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो। नाउ ड्रॉ अ सेगमेंट एन बी, अभी एन कहाँ पे लेती मैं, यहाँ पे एम लेती हूँ, यहाँ पे एन लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती मैं, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी मेरी, यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री मिल जाएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेगी, सो अनदर पॉइंट में यहाँ पे एन ले लिया, बाद में एल लाइन पे, ठीक है, एक एन पॉइंट ले लिया, यहाँ पे बोलो एम, स्मॉल एम। सो क्या क्या स्टेप रहेगी, देखो पहले ड्रॉ अ लाइन एल, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन एल, नेक्स्ट वन ड्रॉ सेगमेंट ए एम परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ए एम क्या की मैंने, एल को परपेंडिकुलर की। अनदर पॉइंट ले लिया, एन पॉइंट ले लिया, वो भी क्या है, ऑन लाइन एल, और नेक्स्ट वन जो है हमारी, वो है हमारी ड्रॉ अ सेगमेंट एन बी परपेंडिकुलर टू लाइन एल। एन बी कहाँ पे, देखो ये किसको परपेंडिकुलर है, लाइन एल को परपेंडिकुलर है, ठीक है, और यहाँ पे आप एल एम भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन मतलब हमारा एन बी जो है और एम ए जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ऐसे इक्वल ले लो, ये थ्री है तो ये भी थ्री ले लो। अभी यहाँ पे कुछ भी डिस्टेंस नहीं दिया है तो आप डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो बस हमने क्या किया, एक लाइन एम ड्रॉ कर दी, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, देखो यहाँ पे एम एल एम चाहिए और यहाँ पे एल चाहिए, ठीक है, वो गलत हो गया हमारा। सिर्फ क्या देखो, एल और एम में थोड़ा डिफरेंस हो गया तो क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। सो हमने क्या किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी और हमारा ये परपेंडिकुलर मिल गया, मतलब लाइन एल और एम क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे। एक ए पॉइंट लेके मैंने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, पैरेलल कर दी है, ठीक है, एल को पैरेलल करना था, एल को हमने पैरेलल कर दिया। नाउ हियर द लाइन एम इज द रिक्वायर्ड लाइन दैट पास थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू लाइन एल, इतना ही आपको करना है, दोनों जगह एरो दे दो ताकि लाइन हो जाए, नहीं तो सेगमेंट हो जाएगी, बराबर। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर टू। सो व्हाट द क्वेश्चन नंबर टू, ड्रॉ अ लाइन एल, टेक अ पॉइंट टी आउटसाइड द लाइन, सेम क्वेश्चन है, देखो वहां पे हमने क्या लिया था, ए पॉइंट लिया था, यहाँ पे टी पॉइंट लेना है, ठीक है। सो टेक पॉइंट टी आउटसाइड द लाइन, थ्रू पॉइंट टी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल, सेम क्वेश्चन, क्या करना है, एक एल लाइन लाओ ड्रॉ करनी है, यहाँ पे एल लाइन ले लो, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे आउटसाइड एक पॉइंट लेना पड़ेगा ना, आउटसाइड कौन सा पॉइंट है, टी पॉइंट है, हमें क्या करना है, टी से निकालने वाली हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे क्या करती मैं, एम पॉइंट लेती हूँ, एक एन पॉइंट लेती हूँ, ठीक है, और यहां से जाने वाली, मतलब यहाँ पे हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है, ठीक है, जहां पे हमने पॉइंट लिया था वहां तक ले लो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी हमने, सेट स्क्वायर यूज करो, नहीं तो प्रोटेक्टर यूज किया तो भी चलेगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये सेम पॉइंट चाहिए, सो यहां से हमें ये और लाइन और ये लाइन सेम चाहिए, तो ये डिस्टेंस क्या करो, कंसीडर करो, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब ये जितना है उतना ही ये रहेगा। यहाँ पे भी हमने क्या निकाला, सेट स्क्वायर करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वी पॉइंट, एक अभी यहाँ पे V दिया नहीं है, यू कैन टेक एनी पॉइंट, बट यहाँ पे T हमेशा हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, बस ये दो जो पॉइंट हमें मिले हैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा एक T और V, और यहाँ पे बोल दो लाइन M, ओके, L और M क्या हो जाएगा हमारे, दोनों भी लाइन हो जाएगी। यहाँ पे परपेंडिकुलर दे दिया, अभी यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह कुछ भी दिया नहीं है, बट वी नो दैट एम टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन वी, और यहाँ पे भी लेंथ दे दो, ठीक है, ये मेंशन किया तो भी चलेगा, इतना ही करना है, स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोला है क्वेश्चन में स्टेप्स लिखो तो लिखो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, देखो तीन ही क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, कितना ईजी है, देखो फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे सोल्व कर सकते, इतना ईजी, ठीक है। चलो नाउ ड्रॉ अ लाइन एम, ड्रॉ अ लाइन एन विच इज पैरेलल टू लाइन एम,
एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम 8। अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, एक एम लाइन ड्रॉ करनी है, एक एंड लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों में पैरेलल दिखाना है। दोनों लाइन क्या दिखाना है? पैरेलल दिखाना है। और दोनों में डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। सो मैंने क्या कर दिया, एम लाइन पहले ड्रॉ कर दी, लाइन एम लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे बोल दो लाइन एम। नाउ टेक टू पॉइंट्स ए एंड बी, यहाँ पे एक ए पॉइंट ले लो, यहाँ पे बी पॉइंट ले लो, ठीक है। अभी क्या करना है, ऑन द परपेंडिकुलर लाइन टेक पॉइंट पी एंड क्यू। अभी देखो एक लाइन बी ड्रॉ करती, मैं पहले बी लाइन ड्रॉ कर दी, बट यहाँ पे कितना डिस्टेंस है वो पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, पहले 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो, नहीं तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर दी तो भी चलेगा, डोंट वरी। नहीं तो क्या करो, देखो ड्रॉ परपेंडिकुलर टू लाइन एम एट ए एंड बी, यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालो पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ पहले ये वाला, ये इरेज हो जाएगा हमारा, चलो इरेज हो जाओ यार। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। सो हमने क्या लिया, एक परपेंडिकुलर निकाला, मतलब परपेंडिकुलर तो सबको पता है कैसे निकालता है, डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको बोलो परपेंडिकुलर। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर निकालो, दोनों जगह परपेंडिकुलर निकाला, अभी ये डिस्टेंस कैसे निकाले, 4 सेंटीमीटर कैसे दिखाए, बहुत ही सिंपल सा है। देखो क्या किया, कंपास में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया और वो क्या करो, आर्क मारो। चलिए यहाँ पे ऐसे कंपास में एक स्केल था, यहाँ पे 0 से 4 तक ऐसे कंपास में ले लिया, यहाँ से इतना और ये यहाँ से यहाँ पे रखकर यहाँ पे आर, यहाँ पे रखकर यहाँ पे आर, और बोलो लाइन कौन सी बोलते हैं, लाइन एम तो हो गई भाई, चलो नेक्स्ट लेती है एन लाइन देते हैं, लाइन एन। लाइन है मतलब दोनों जगह एरो, ये एक्सटेंड कर दो, ये भी एक्सटेंड कर दो, हो जाएगा हमारा लाइन एम और लाइन एल पैरेलल, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे देने पड़ेंगे पॉइंट, यहाँ पे दे दो पी एंड पॉइंट क्यू, हो गया। चलो कितना इजी है, दो लाइन दिया था, 4 सेंटीमीटर दिया था, मैंने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ करके दोनों जगह परपेंडिकुलर, बाद में 4 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, आर्क पहले मार्क करके और वो लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। देखो तीन ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों भी, पहले दो तो सेम थे, थर्ड में हमने 2 पैरेलल लाइन निकाली, मतलब हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। ओके कंप्लीट हो गया चैप्टर। चलो अभी आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कौन से कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, बट कौन सा चैप्टर रहेगा, थर्ड चैप्टर। अभी कौन था हमारा, 2 तो चैप्टर हो गए, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। अभी आते हैं थर्ड चैप्टर पे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।